क्या हुआ? सामान पैक करो, हम वापस जा रहे हैं, आ जाओ अभी। क्या हुआ क्या? और क्या होना बाकी है? मंगेश, now don't create a scene out of this। तो तुम क्या चाहती हो? मैं सब बर्दाश्त करता रहूं? लेकिन हम इस तरह चले जाएंगे तो मम्मी को कैसे फील होगा? वो सोचती है हमें कैसा फील होगा, जो मुंह में आया बक देती है। कल रात को भी सुना रही तुमने क्या क्या कह रही थी वो। मंगेश, तुम्ही ने कहा था ना कि she's a very difficult person, उन्हें थोड़ा वक्त तो दो। कितना वक्त? और उनके बर्ताव से तो ऐसा लगता है जैसे वो हम पर उपकार कर रही है, जो हमें यहाँ रहने दे रही है। मम्मी को गुस्सा बिल्कुल सहन नहीं होता। तो यहाँ किसे सहन होता है? फिर भी चुप रहता हूँ ना, सोचा दिल की भड़ास निकल जाएगी तो सब अपने आप शांत हो जाएगा, लेकिन ये तो दिस इज नॉट राइट। मंगेश प्लीज, हम लोग यहाँ प्रीति की शादी अटेंड करने आए हैं, तो लेट्स अटेंड दैट क्वाइटली। हमें कोई टेंशन क्रिएट नहीं करना, समझे? टेंशन क्रिएट ना हो इसलिए हम वापस जा रहे हैं। मेरी गलती थी इसलिए इतने दिनों तक चुप रहा, मतलब मैं नहीं मानता कि मैंने कुछ गलत किया है। फिर भी मैं भी जवाब देने लग जाऊं फिर पता चलेगा। तुम कुछ नहीं कहोगे? अब तक तो मैंने अपने आप को कंट्रोल करके रखा है, लेकिन कंट्रोल छूट गया तब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मंगेश, प्रीति ने मुझे कहा कि हम लोग बच्चों के थ्रू उन्हें जीतने की कोशिश करें। लेट्स ट्राई दैट। क्यों, हम क्यों ट्राई करें? सिर्फ हमें गरज है, उन्हें जरूरत नहीं हमारी, हमारे बच्चों की। कम ऑन मंगेश, डोंट टॉक लाइक दिस। तो किस तरह बात करूं, तुम बोलो। क्यों, बाबा ने भी कहा था याद है कि बच्चों के जरिए मम्मी को जीतना बहुत आसान है। वो मेरे बच्चों को नजदीक तक नहीं आने देगी। देगी? अरे क्या देगी, उसने मुझे इस बात की क्रेडिट भी नहीं दी कि मैंने अपने वचन का पालन किया। हिलेरी और युदी को भी तुम्हारे बच्चे कहकर इंट्रोड्यूस कर दिया। क्यों? अब छोड़ो मंगेश, जाने दो। कैसे जाने दो? और किस मुंह से प्रीति के सास की बुराई करती है, खुद अपने बहू को अपनाया? मंगेश, प्रीति ने कहा कि वो मम्मी से बात करेगी। कोई फायदा नहीं है। एंड रश्मि, जहाँ तुम्हारी और बच्चों की इज्जत नहीं वहाँ मुझे नहीं रहना। आई नो मंगेश, बट लेट्स ट्राई वंस। देखो अगर फिर भी ऐसा हुआ तो मैं खुद सामने से कहूंगी चलो हम चलते हैं।